अच्छा, कोर्ट ने जब उन्हें बरी किया है कि ये कहा गया था कि इसे आप किसी भी एंगल में गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, तो फिर ऐसा क्यों? इसका मतलब है कि जो हुकूमत इस वक्त चल रही है ये जोरावर है अदालतों से, अदनिया से? जी जी, दे आर अबव द लॉ इट सीम्स। उनको ना अदालतों की, ना हाई कोर्ट की, ना सुप्रीम कोर्ट की एहतराम करते हैं, ना वो उन्हें पहचानते हैं, और ना ही वो किसी कानून को समझते हैं। वो समझते हैं कि वो हुकूमत में आ गए हैं, और वो समझते हैं कि वो इलेक्ट होके आए हैं, और वो समझते हैं कि आवाम उनके साथ है। अगर आवाम उनके साथ है तो ये क्या हो रहा है? अच्छा, इमरान रियाज का कसूर क्या था? ये मैं नहीं जानती हूँ, मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि वो हमें बताएं उनका कसूर क्या है, कि उन्होंने चंद बातें की हैं, उन्होंने अपनी राय को इजहार किया है। उन्होंने एक बात भी की है कि गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने जो बात की कि इसके बाद अगर मुझे ना इन्होंने छोड़ा तो उसके बाद एक ऐसी वीडियो अपडेट की जाएगी कि जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जिसे कहते हैं कि हड़तली मच जाएगी। जी जी, तो इस वीडियो के बारे में मैं सच नहीं जानती, लेकिन जी ज़रूर, ऑफ कोर्स, कभी ना कभी तो इनका वो वो खुलेगा ना। हाँ, पर्दा खुलेगा ना। अच्छा, लास्ट में कोई पैगाम देना चाहिए? पैगाम यही देना चाह रही हूँ अपनी आवाम को, 22 करोड़ का आवाम जो है, तो वो निकलें अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं। हम सब इमरान खान साहब के साथ हैं, हम एक्चुअली अपने पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ कोई शख्सियत या किसी लीडर के साथ, हम अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं। सो आप निकलेंगे तो ये सबका, हमारा सबका पाकिस्तान है। थैंक यू सो मच।